वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा की शाही ईदगाह में आज से शुरू होगा सर्वे की प्रक्रिया। मस्जिद का सर्वे करने के लिए मुस्लिम पक्ष को नोटिस देंगे अमीर। सर्वे को लेकर शाही ईदगाह पक्ष आज कोर्ट में दर्ज कराएगा आपत्ति। सर्वे में शामिल होने के लिए कोर्ट में देंगे प्रार्थना पत्र। मामले से जुड़े अन्य केसों के पक्षकार भी प्रार्थना पत्र देंगे। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इस मामले की सुनवाई कब करनी है। लखनऊ में सीएम योगी आज सुबह 10:30 बजे करेंगे टीम 9 की बैठक। बैठक में नए साल पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हो सकती है चर्चा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा की महाबैठक आज। अगले दो दिनों में होगा चुनावी मंथन। आज से दो दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। ठंड की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। मुकदमों की सुनवाई होगी शुरू। हाईकोर्ट के साथ ही जिला अदालतों में भी मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी में भालू ने एक महिला पर जानलेवा हमला किया। दूसरी महिला ने बहादुरी दिखाते हुए शोर शराबा कर घायल महिला को भालू के चंगुल से बचाया। नए साल पर उत्तराखंड की 102 निकाय में ओपन जिम का लोकार्पण। सीएम धामी ने वर्चुअली ओपन जिम का लोकार्पण किया। उत्तरकाशी के दाड़ी में जिम की सौगात मिलने से लोगों में खुशी। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। साल 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए 58 याचिकाएं दायर की गई थी। नए साल पर जम्मू के राजौरी में बड़ी आतंकी वारदात। दो आतंकियों ने 3 घरों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 4 की मौत। आतंकियों की तलाश जारी। राजस्थान के पाली में बड़ा ट्रेन हादसा। बांद्रा जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतरे। राहत और बचाव का काम जारी। आज महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां। चंद्रपुर और मराठवाड़ा के में करेंगे जनसभा। मिशन 2024 के लिए हुंकार भरेंगे। आज से 7 जनवरी तक गोवा दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ बढ़ाकर रास्तों को खोलने का काम जारी। नए साल के मौके पर बड़ी पर्यटकों की संख्या। सैलानियों को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा। मेरठ में अंगीठी जलाकर सो रहे एक नेपाली परिवार के दम घुटने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और 4 साल की बच्ची गई जान। हाथरस में मुरसान कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास बुलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर। लखनऊ के गणेशपुर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की का शव झाड़ियों में मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 5 टीम का गठन किया गया। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त एनकाउंटर में योगेश बड़ौदा गैंग का शार्प शूटर मारा गया। कपिल 1 लाख का इनामी बदमाश था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की। बागपत में डबल मर्डर केस में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। प्रयागराज में पुलिस ने एक शख्स को ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा। साथ ही आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल एक मैकबुक भी बरामद किया। अलीगढ़ में जैन समाज ने रैली निकाली। तीर्थ पर्वत राज समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया। ग्रेटर नोएडा में जैन मंदिर में जैन समाज ने विरोध किया। शांतिपूर्ण उपवास अनशन किया गया। बरेली में कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने आश्रम में कुछ कुष्ठ रोगियों से मुलाकात की और 200 मरीजों को कंबल बांटे गए। हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे सामने आ रहे। दिल्ली के कंजावला में लड़की से बर्बरता। कार से टक्कर के बाद लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। कार स्कूटी की टक्कर से कार में फंसी थी लड़की। घसीटने की वजह से लड़की की दर्दनाक मौत। सुल्तानपुरी थाने में आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लड़की के साथ बर्बरता मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया। कहा यह मामला बेहद भयानक। मैं दिल्ली पुलिस को समन जारी कर रही हूं। पूरा सच सामने आ जाएगा। इटावा में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए प्रयासरत। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में सरकार बनाने के लिए मांगा था समर्थन। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार की नीयत साफ नहीं। सरकार ने जानबूझकर चुनाव को उलझाया। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा यह आशीर्वाद का नया है तीरथ। अब यहीं पर सर झुकाना है। मिला बीते साल का सबक यही कि सबको आना जाना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की हालत में अब सुधार। डॉक्टरों ने बताया 4 दिनों तक अस्पताल में रखकर पंडित केसरी की मॉनिटरिंग की जाएगी। गोरखपुर में नए साल के जश्न में युवक की पीट कर हत्या। डांस करते समय हुआ था विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरिया में पार्टी के दौरान युवक के 3 दोस्तों ने ही युवक की पिटाई कर दी। बिगड़ता देख 3 दोस्त हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर के नीतीश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट मेरू पर तिरंगा फहराया। माउंटेनियर नीतीश ने 14,968 फीट की चोटी को 42 घंटे में ही पूरा किया। मसूरी में बस हादसे का शिकार हुई नेहा को न्याय दिलाने को लेकर लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेहा के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की।
अजीवा में 18 कमाऊ रेजिमेंट के 47वें स्थापना दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भूतपूर्व सैनिकों ने इस मौके पर सेना में बिताए अपने कार्यकाल को याद किया। आगरा में मामूली से विवाद को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। जहर खाने से महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों में हड़कंप मचा। थाना बसोनी के गांव झरनापुरा का मामला। अमेठी में ट्रैक्टर बेचने के विवाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। छोटे भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से बड़ा भाई और उसका दो बेटे गंभीर रूप से घायल हुए। सहारनपुर में संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन के पिता ने बेटे को बेकसूर बताया। जिहाद फैलाने के लिए वीडियो और साहित्य मुहैया कराने का आरोप था। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान चलाया। प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। कौशाम्बी में भूत प्रेत का साया उतारने के नाम पर तांत्रिक ने बच्ची के साथ रेप किया। आप बीती बच्ची ने अपनी मां को सुनाई। फिरोजाबाद में शराब के नशे में युवक को ईंट से पीट पीट कर मार डाला। शिकोहाबाद के मलिखानपुर ईंट भट्टे के पास पड़ा मिला शव। बस्ती में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने का मामला सामने आया। गणेशपुर में योगा टीचर दीपिका पांडे ने फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाई। जांच के बाद प्रमाण पत्र में गड़बड़ियां पाई गई। अम्बेडकर नगर में 3 वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से चोरी की 3 बुलेरो बरामद की गई। अलग अलग जिलों से चोरी की गई थी नई बुलेरो। रुड़की में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा कारतूस बरामद। रुड़की में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब सहित भट्टी उपकरण बरामद किए। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। वाराणसी में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिलने से सनसनी। मरने वालों में पति पत्नी और 1.5 साल का मासूम शामिल। रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक को पीटने का आरोप। ठुकराल ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और रवि किशन ने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी को जन्मदिन की बधाई। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चलाया स्वच्छता अभियान। प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। बागेश्वर में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग। वीआईपी का नाम भी सार्वजनिक करने की अपील की। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में किया जनता से संवाद। प्रदेश में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। रामनगर के ढिकुली में साइलेंस जोन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां के कुछ रिजॉर्ट्स खुलेआम डीजे बजाते हुए दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्राथमिक विद्यालय पौंड में शुरू हुआ। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट ने किया शिविर का उद्घाटन। कहा युवाओं से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। आजमगढ़ में मृतक फिरोज अहमद के परिजनों से मिले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। पुलिस पर साधा निशाना। कहा पुलिस ने आरोपियों को बचा लिया। मुजफ्फरनगर में बीकॉम के छात्र तुषार शर्मा ने 8,000 स्टिक्स बनाया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल। तुषार ने मंदिर के बेस में 2,000 स्टिक्स लगाए। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा हमने यूपी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया है। औरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किशोरी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 1 घंटे बाद भी युवक की ट्रेन से कटकर मौत। प्रतापगढ़ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ट्रॉमा सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। श्रावस्ती में हुई एक नए थाने की शुरुआत। थाना मल्लीपुर क्षेत्र को काटकर हरदत्त नगर ग्रंथ बनाकर थाना बनाया गया। मेरठ में सड़क जाम कर रहे किसानों का धरना खत्म। पीड़ित किसान के परिवार को मिला मुआवजा। मुख्य सचिव ने आदिशक्ति सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी के दरबार में मत्था टेका। मुख्य सचिव ने देश और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। आगरा में पुलिस ने सड़कों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। गांधी चौक फतेहाबाद रोड और अन्य मार्गों से हटाया अतिक्रमण। अमेठी एसपी इलामारन ने नवनिर्मित सिमरौता चौकी का उद्घाटन किया। आगरा में बढ़ती सर्दी को देखते हुए कंबल बांटे गए। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जरूरतमंदों को कंबल दिए। बहराइच में पुलिसकर्मियों ने गरीब और असहाय बच्चों को सहारा दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने गरीब और असहाय बच्चों को स्वेटर बांटे। हापुड़ के सिटी कोतवाली में पुलिस ने बरामद किए गुम हुए मोबाइल। पिछले 2 महीने में लोगों ने दर्ज कराए थे सैकड़ों शिकायतें। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।